नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि ग्लूटन सेंसिटिविटी क्या होती है, वीट एलर्जी क्या होती है और ग्लूटन इनटॉलरेंस क्या होता है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये है कि यार ये तो फिटनेस के हिसाब का चैनल है, इस पर हमें तो इतनी बीमारियों के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्या है मसल गेन, फैट लॉस, वज़न कम करना, वज़न बढ़ाना और सेहत कैसे अच्छी रहे उनके बारे में बताओ, बीमारियों के बारे में मत बताओ। एक्चुअली मैं इन बीमारियों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका आजकल जो चलन चल रहा है ना उससे बहुत लेना देना है। सुनो थोड़ा, पिछले जो वीडियोस मैंने ग्लूटन और ग्लूटन से रिलेटेड चीज़ों पर बताया, सेलियाक बीमारी पर बताए हैं और जो आगे मैं आने वाले बताने वाला हूँ, उन सबका फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, इन सब से लेना देना है। सुनो ध्यान से, ठीक है, सेहत से लेना देना है। सबसे पहले तो ग्लूटन इनटॉलरेंस किसे कहते हैं, ग्लूटन इनटॉलरेंस हो गया कि इनटॉलरेंस मतलब किसी चीज़ को तुम टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब तुम उस चीज़ को एक तरीके से समझ लो सहन नहीं कर पा रहे, तुमसे तुम से बर्दाश्त नहीं हुई, इस तरीके समझ लो ठीक है। सेलियक बीमारी है, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। एक ग्लूटन सेंसिटिविटी होती है, एक होती है वीट एलर्जी। ये तीनों जो है ग्लूटन के कारण होती हुई परेशानियाँ हैं जो किसी को हो सकती है, ठीक है। तो इन तीनों में आदमी का जो शरीर है वो ग्लूटन को समझ लो सहन नहीं कर पा रहा, टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो इन तीनों को मिला करके हम कह देते हैं ग्लूटन इनटॉलरेंस है। तो ग्लूटन इनटॉलरेंस तो हो सकता है आपको सेलियन बीमारी, हो सकता है आपको ग्लूटन सेंसिटिविटी, हो सकता है आपको वीट एलर्जी हो, कुछ और भी ग्लूटन के नाम पर और नई बीमारियाँ भी आ गई है, पर मेन अभी इन तीन के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझने वाली बात है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से समझना है कि हम कोई गलती नहीं करें, ठीक है, इसलिए ऊपर ऊपर से समझना है, ज़्यादा अंदर तो फिर हम कोई डॉक्टर भी नहीं बनना है, ठीक है। सेलियक बीमारी क्या होती है, इसके बारे में मैंने पहले बात करी थी। सेलियक बीमारी में तो क्या है, आपको बहुत तकलीफ होती है ग्लूटन अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी पहुंच जाए तो आपको शरीर में बहुत तकलीफ हो सकती है। सेलियक आपको नहीं है, सेलियक बीमारी नहीं है, पर फिर भी आपको ग्लूटन से शरीर में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सेलियक तो बहुत सीवियर हो गया, उतना सीवियर नहीं, पर फिर भी आपके शरीर में अगर ग्लूटन पहुंचता है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। वो हो गया ग्लूटन सेंसिटिविटी, मतलब आपका शरीर ग्लूटन के लिए सेंसिटिव है, उसे ग्लूटन मिलता है तो उसे दिक्कत होने लग जाती है। उसे सेलियक बीमारी तो नहीं है पर उसे ग्लूटन मिलता है तो उसे दिक्कत होने लग जाती है। तीसरा वीट एलर्जी, ठीक है। वीट एलर्जी क्या होती है, वीट एलर्जी में जैसे आपने गेहूं खा लिया तो आपको शरीर में दिक्कत होने लग जाएगी। और वीट एलर्जी में भी होता है कि जैसे गेहूं का खेत है तुम उसमें चले गए, किसी किसी को ऐसे भी एलर्जी होती है वीट एलर्जी के, गेहूं का खेत है तुम उसमें चले गए तो खेत के बीच में इतने सारे गेहूं तुम्हारे, वो हवा में भी उनका असर है और वो तुम्हारे स्पर्श में आए, इस तरीके से उनके उस वातावरण में चले गए ना, तो भी वो एलर्जी तुम्हें दिक्कत दे सकती है। ये दो तरीके जिनसे हो सकती है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या मैंने बताया, ग्लूटेन सेंसिटिविटी क्या होती है, इसमें भी कुछ वैसे वैसी दिक्कतें होती है, पेट फूल जाना, गैस बन जाना, पेट में दर्द होना, दस्ते लगना, शरीर में ताकत कम रहना, जैसी सेलियक बीमारी मैंने बताई थी, ले दे करके तकलीफ होती है शरीर में, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। और वीट एलर्जी में तो होता है, अब बात आती है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी कितने लोगों को होती है। मैंने सेलियक का बताया था, 100 में से लगभग एक आदमी को पाई जाती है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी जो कि सेलियक से कम सीवियर है पर फिर भी लोगों को होती है, ये कितने लोगों को पाई जाती है, भाई मुझे इसका इंडिया के लिए ऐसा कोई डेटा नहीं मिला कि इंडिया में कितों को, पर दूसरी कंट्री में पाया गया है कि 2 से 6 या 6 से ज़्यादा लोगों तक को पाई जाती है 100 में से, मतलब 100 में से हो सकता है 2 जनों को, हो सकता है 4 जनों को, 5-6 जनों को 100 में से, और हो सकता है 6 से ज़्यादा को भी हो, ऐसा दूसरे देशों में पाया गया है। वीट एलर्जी 1000 में से 1 जने को पाई गई है कि 1000 में से 1 जने को हो जाती है, ये भी मुझे इंडिया का डेटा नहीं पता, मैंने दूसरी कंट्री का डेटा बताया, ठीक है। पर मेरे अंदाजे से ये सेलियक बीमारी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी और वीट एलर्जी जो है ये इंडिया में बाकी देशों से कम पाई जा सकती है। कारण क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे और हम आज भी ग्लूटेन की चीज़ें हमारे पूर्वज खाते आए हैं और हम अभी भी खा रहे हैं, तो क्या है ग्लूटेन नहीं पचने का एक कारण ये भी है, ग्लूटेन नहीं पचने का एक कारण ये भी है, ग्लूटेन खाना छोड़ दिया तो हमारे पूर्वजों ने, हमने छोड़ा नहीं है,
तो इस चीज की ज्यादा संभावना है कि वो हमें पछता रहे, हमें परेशानी ना दे। ठीक है, ग्लूटेन से ये जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये मतलब तीन नाम यहाँ पे मैंने बताया, इसके अलावा भी कई और बीमारियों के नाम निकल चुके हैं। एक है, अभी भी इन पे बहुत रिसर्च चल रही है, अभी भी इन पे बहुत जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक, हो रही हो तो क्या है कि अभी इन पे कुछ ठोस कहना मुश्किल है। बस आइए कहा जा सकता है कि ग्लूटेन उनसे दिक्कत हो रही है, ऐसे बहुत ज्यादा ठोस बातें अभी हमें पता नहीं है। हमें ये भी पता नहीं है कि पूरी तरीके से सही करने का क्या तरीका है, कि हम ग्लूटेन खा भी लें और सही भी हो जाए, या फिर कितना ग्लूटेन खाने से किसी को दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें पता चलनी है अभी। लेकिन ये देखा, मतलब ये पाया गया है, विज्ञान को ऐसा पता चला है कि भाई, विज्ञान को ऐसा लगा है कि अगर आप ग्लूटेन खाना छोड़ दो तो आपको बाद में ग्लूटेन से दिक्कत होने लग सकती है। इसीलिए मैंने ये बात पिछले सेलिया वाले वीडियो में भी बोली थी और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आप को जब तक कोई दिक्कत नहीं है तब तक आपको ग्लूटेन की चीजें खानी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो फलके होते हैं, जो गेहूं की रोटी बनाते हैं, हम उसको फलके बोल देते हैं, तो फलके अगर आपने खाने बंद कर दिए तो हो सकता है, ऐसा आपने कई सालों तक कर दिया मान लो, तो हो सकता है आपको फलके पचने बंद हो जाए। ठीक है, आमतौर पे लोग करते हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के चक्कर में, अच्छा, किसी को वजन कम करना है, हाँ, जिम के ट्रेनर ने बोल दिया वजन कम करना है, रोटी चावल बंद करो, रोटी चावल बंद करो, उनसे फैट आता है, फैट आता है। जबकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रोटी से बेटर है, चावल से बेटर है, दोनों हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। फैट तो आता है जब आप अपने जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो उससे ज्यादा ऊर्जा खा रहे हो, फैट तो तब आता है। पर वही ट्रेनरों ने बातें फैला दी तो लोग सोचते हैं रोटी बंद करो, रोटी बंद करो, बॉडी बिल्डिंग चल। फिर जो जिनको बॉडी बनानी है, मसल बढ़ानी है, उनको कहते हैं रोटी खाएगा तो कोई बॉडी नहीं बनेगी, रोटी खाने से बॉडी नहीं बनती, मांस खा, अंडे खा। तो फिर वो कई कई तो अपना धर्म छोड़ करके मांस अंडे खाने लग जाते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना तो मांस अंडे खाने की जरूरत है, उनसे शरीर में बहुत बीमारी आती है, बहुत दिक्कतें होती है, और रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे छोड़ने से तुम्हारी सेहत भी खराब होगी और तुम्हें ये बीमारी भी लग सकती है। ठीक है, अब ये जो सेलिएक बीमारी है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वीट एलर्जी, ये क्या है, धीरे 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 बढ़ रही है दुनिया में, ज्यादा लोग ऐसे मिलते जा रहे हैं जिनको ये बीमारियां है। इसके पीछे एक कारण मैंने जो तुम्हें बताया, ये एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि क्या है कि बाहर हवा बन जाती है किसी चीज की, कि अरे अरे अरे, जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारी आजकल आती है चीजें, आती है पैकेट आता है उन पर लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, नो ग्लूटेन, तो और महंगी बिकती है कि ग्लूटेन फ्री है, महंगी बिकती है उस चक्कर में। तो क्या है कि बाहर ये बॉडी बिल्डिंग फिटनेस, इनके चक्कर में बाहर ऐसी हवा बन गई कि ओहो ग्लूटेन की चीजें नुकसान करती है, ग्लूटेन की चीजें खाने से फैट नहीं कम होता और मसल नहीं आती, ग्लूटेन की चीजें नुकसान कर रही। तो लोगों को ये लगने लग गया अच्छी सेहत के लिए ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए, लोगों को ऐसा लगने लग गया, जबकि ऐसा नहीं है। एक आम आदमी के लिए ऐसा नहीं, जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए ऐसा नहीं है। तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने कोई डॉक्टर से बात नहीं करी, कुछ नहीं जाना बीमारी के बारे में कुछ नहीं, बस उन्हें किसी ने जैसे बोल दिया कि रोटी चावल छोड़ दो, तो लोगों ने सालों तक छोड़ दिए रोटी चावल, बस सुन करके, किसी से सुन करके छोड़ दिए। वैसे ही किसी से सुना ग्लूटेन खराब है, अच्छा फलकों में गेहूं में ग्लूटेन होता है, अच्छा जौ में ग्लूटेन होता है, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं खाएंगे ग्लूटेन की चीजें, नहीं खाएंगे, अच्छा नो नो ग्लूटेन वाली चीजें खाएंगे, अच्छा महंगी है तो भी खाएंगे। तो लोगों ने क्या, अपने अपनी होशियारी लगा करके ग्लूटेन की चीजें खानी बंद कर दी, मतलब रोटी खानी छोड़ दी, जौ जौ खाने छोड़ दिए, जौ मतलब बारले फलके और ये सब खाने छोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ कि इस मतलब ये कारण हो सकता है कि इससे क्या कि उन्होंने जब खाने छोड़ दिए ना, तो हो सकता है कि उनको ये तकलीफें होने लग गई उसके बाद में। और ये कारण हो सकता है कि जैसे बॉडी बिल्डिंग फिटनेस और ये सब आजकल बहुत चलन में आ रहा है ना, तो लोग ग्लूटेन की चीजें छोड़ने भी लग गए, और इसी कारण से भी हो सकता है कि ये बीमारियां लोगों में बढ़ने लग गई, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया ये सोच करके इसे अच्छी सेहत के लिए छोड़ना चाहिए। और इसमें मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, 2010 के बाद से इंटरनेट बहुत फैला है, कम से कम भारत में तो बहुत फैला है। तो अब क्या है, कोई भी झूठा है सच लोगों को तो पता नहीं होता, वो फैलता है तो इंटरनेट पर फूम फैलता है, और फिटनेस की लाइन में तो बहुत ज्यादा फैलता है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग। किसी ने कह दिया कि शकरकंद खाने से बहुत फायदा होगा बॉडी बनाने में, तो बस फैल जाएगा, वो इतना फैल जाएगा, शकरकंद खाओ ऐसे, शकरकंद की बिक्री बढ़ जाएगी ऐसे।
तो ये क्या है, ये इंटरनेट के कारण ये सब ग्लूटेन फ्री पिछले कुछ सालों में बहुत फैला है, और पिछले कुछ सालों में ये बीमारियां बढ़ी हैं। फिर इसमें लोगों का ये कहना भी है कि पहले हमारे पूर्वज जो खाते थे, वो जो गेहूं की वैरायटी होती थी वो अलग होती थी, और आजकल जो गेहूं खाया जा रहा है उसकी वैरायटी अलग है। ऐसा भी लोगों का कहना है कि इस वैरायटी के फर्क के कारण भी हो सकता है। पहले जो खाते थे वो डाइप्लॉइड होता था, अभी फिर टेट्राप्लॉइड खाया, फिर एक्साप्लॉइड खाया, तो एक्साप्लॉइड के कारण हो सकता है हमें ये बीमारियां ज्यादा हो रही हो, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना रहा है। ये भी एक नजरिया है, मैंने आपको बताया। अब बची बात तुम्हारी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ग्लूटेन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ग्लूटेन छोड़ोगे तो तुम्हारे, मैंने पहले ही बताया था, तुम्हारी आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है वो कम हो सकते हैं, और खराब बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जिससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। एक दूसरा, ग्लूटेन छोड़ोगे मतलब फल के खाने छोड़ोगे, गेहूं और जौ खाने छोड़ोगे, तो तुम्हें ये बीमारी हो सकती है, सेलिया, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वीट एलर्जी तुम्हें हो सकती है, ठीक है। तो जब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं छोड़ना। और फिर कुछ लोग क्या होते हैं अपनी होशियारी में, भाई अच्छा, पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द है, दस्तें लग रही है, यार ये तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के चिन्ह है, मतलब उसमें ऐसा होता है, मुझे लगता है ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, छोड़ दो ग्लूटेन खाना। कुछ लोग अपनी डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, अपनी वैद्य बन जाते हैं। भाई गैस तो और भी चीज़ों में बनती है, पेट तो और भी चीज़ों से दुखता है, कोई कुछ गलत खा ले हो तो पेट दुखे हो, दस्तें तो और भी चीज़ों से लगती है। पहले डॉक्टर के पास में जाकर के पूरा सबसे चेक करा करके देखो तो सही, तुम्हें ग्लूटन से ही दिक्कत है, कोई और चीज से दिक्कत है? सिर्फ जो ग्लूटन वाली बीमारी में दिक्कत होती है उस वही दिक्कत है तुम्हें, या तो तुमने सोच लिया कि वो ग्लूटन के कारण ही हो सकता है, वो किसी और चीज के कारण हो। ऐसी आमतौर पर इस तरीके के लक्षण बहुत बीमारी में निकलते हैं, तो अपने दिमाग से मत करो। जब तक तुम्हें पक्का नहीं है कि तुम्हें कोई सच में ग्लूटन से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो ग्लूटन खाना मत छोड़ो, वरना तुम अपनी सेहत के लिए नुकसान कर सकते हो। अब बात आती है कि किसे ग्लूटेन छोड़ना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा डिटेल में अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैं ये कहूँगा, ग्लूटेन ग्लूटेन से रिलेटेड ये जुड़ी हुई जो भी मैं एक वीडियोस की सीरीज बना रहा हूँ, इसको शुरू पिछले 2-3 वीडियो से लेकर के आगे तक के सारे वीडियो देखने काफ़ी काम के, और अपने भाई बंधुओं के साथ, परिवार वालों के साथ में बांटना है, जो ये रोटी चावल छोड़ रहे हैं उनके साथ बांटना। चावल में ग्लूटेन नहीं पाया गया है, पर ग्लूटेन नहीं है पर लोग चावल भी छुड़वा देते हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के चक्कर में, तो लोगों के साथ बांटना है इसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। नमस्कार।